कबीर साहब कहते हैं, जिस क्षण जिस वक्त जिस समय मनुष्य का तन अर्थात शरीर स्थिर हो जाता है, स्थिर होने का अर्थ क्या है? शारीरिक चंचलता बंद हो जाती है, शरीर दुष्कर्म करने से रुक जाता है, सत्कर्मों में शरीर प्रवृत्त हो जाता है, सत्कार्यों में शुभ कर्मों में जब ये शरीर तल्लीन होता है तो समझना चाहिए कि हमारा तन स्थिर है। तन स्थिर का अर्थ ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहना। चुपचाप बैठे रहना, इससे बहुत बीमारियां भी आती हैं। जो लोग शरीर से काम नहीं करते हैं बहुत बीमार होते हैं, और जो खाली बैठते हैं वे बड़े प्रपंची भी होते हैं, और दूसरों की निंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष में लगे रहते हैं। खाली बैठने का अर्थ तन की स्थिरता नहीं है। तन की स्थिरता का अर्थ है शरीर को सत्कार्यों में प्रवृत्त करना, परोपकार के कार्य करना। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए परिवार पालने के लिए चिड़िया भी काम करती है, और कितने नरनारी पशु पक्षियों जैसे ही जिंदगी जीते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाते हैं, बस दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, परोपकार, इसके बारे में उनको पता ही नहीं। और तुलसीदास कहते हैं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप नाना प्रकार से परोपकार कर सकते हैं, किसी को व्यवहारिक कार्यों में मदद करना, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा उसमें हेल्प करना, किसी के सत्संग समागम में बाधा न डालना, ये भी परोपकार है। कहते हैं सहयोग करना धर्म है, लेकिन विरोध करना अधर्म है। और सहयोग न करें और विरोध भी न करें तो कम से कम धर्म नहीं होगा तो अधर्म भी नहीं है। किसी के कन्या विवाह में मदद करना, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है वस्त्र दान कर देना, जिन गुरु की वाणी से पूरे संसार की चेतना जागृत होती है ऐसे गुरु की सेवा तन मन धन से वस्त्र अन्न आदि से करना, जिन संतों के दर्शन पा करके और जिनका संदेश सुन करके घर घर का कलह क्लेश मिट जाता है, घर घर में शांति का जन्म होता है, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा रखना और उनकी सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। क्योंकि जब संत की तुम सेवा करते हो, वो संत अपनी वाणी के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा समाज में जो बहुत दुख फैला हुआ है, घर घर में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, उसको समाप्त करने का काम करता है, इसलिए आपको बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। अभी जैसे आपको जेलर सिंह का उदाहरण दिया गया, एक जेलर नहीं संसार में हजारों लाखों जेलर सिंह जैसे लोग हैं, जिनके जिंदगी जीने की हिम्मत टूट चुकी है,
कुछ करने की तमन्ना समाप्त हो चुकी है, अब संसार से विदा होना चाहते हैं। लेकिन हर मनुष्य के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है, और इतने सौभाग्य से मिला हुआ जीवन तुम जहर खाकर किसी तरह से अपने को मारकर समाप्त करोगे तो इससे महापाप लगता है। बड़ी मजे की बात है, कोई चिड़िया भी आत्महत्या नहीं करती है, कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, कीड़ा मकोड़ा भी आत्महत्या करता नहीं है। जिनके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना सर्विस है, ना बिजनेस है, ना आमदनी का स्रोत है, ना इतनी बुद्धि है, वे भी संघर्ष करके जिंदगी जी लेते हैं। हे इंसान के पुतले, तेरे पास में बुद्धि का खजाना है, और इतने लोग तेरे नाते रिश्तेदार भी हैं, फिर मरने के लिए कभी सोचना मत, सबके साथ हिल मिलकर जीने की कला सीखना। अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, क्षमताओं का सही प्रयोग कीजिए। आपके भीतर जो शक्तियां प्रकृति की ओर से वरदान के रूप में मिली हैं, उन शक्तियों को सही यूज कीजिए। हर व्यक्ति को बहुत सी संपदा मिलती है कुदरत की ओर से, जिसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना नहीं पड़ता है। आपको बुद्धि मिली है, आपको जवानी मिली है, आपको सुंदर हाथ पैर मिले हैं, कर्म करने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली, बोलने की कला मिली, सुनने की शक्ति मिली है, और आपको पैरों में चलने की भी ताकत मिली है, और आपके पास में इतनी कलाएं हैं कि आप ये मनुष्य गाड़ियां भी बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, ट्रेन बनाता है, रेलवे लाइन बिछाता है, बिजली का निर्माण करता है, पावर हाउस भी यही चलाता है, और ये सारा दुनिया में जितना आर्टिफिशियल खेल चल रहा है, ये सब मनुष्य के हाथों का खेल है। तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो क्या अपनी जिंदगी को जीने भर की तुम्हारे में क्षमता नहीं है? कभी हिम्मत मत हारना। घर में कलह कलेश भी मत कीजिए, गरीबी है तो संतोष पूर्वक रहिए। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को बार बार धक्का मत मारे, ये मत कहें कि तुम कुछ कर नहीं पाए। जो बहुत कुछ कर पाए हैं वो भी पछता रहे हैं, और तुम्हारा पति कुछ ज्यादा नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ रहता है, दिन में भी और रात में भी, और साथ साथ बैठता है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिनके पतियों ने बहुत कुछ किया है, वे साल में एक बार अपनी पत्नी को मिलते हैं, और ठीक से पहचानते भी नहीं, भीड़ में मिल जाए। इसलिए उन पतियों से तुम्हारा पति अच्छा है, बहुत धन भले न कमा पाया हो, लेकिन तुम्हारे साथ प्रेम से रहता तो है। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे नीदरलैंड में मैं सर्विस करता हूँ, 65 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, उनके भाई बता रहे थे। तो हमने कहा परिवार से मिलन कब होता है? बोले साल में एक बार, नीदरलैंड। तो मैंने कहा इससे अच्छा है जो नीदरलैंड में रहते वही ठीक है, सोते हैं सवेरे तो मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। गम खाना भी सीखिए, हिलमिल कर रहने की आदत बनाइए, छोटी छोटी बातों में उलझन मत कीजिए। किसी के द्वारा कुछ आपको प्रॉब्लम लगी है, परिवार में जितने सदस्य हैं तरह तरह के विचित्र विचित्र उनके स्वभाव होते हैं, आपकी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी नाना प्रकार के नेचर लेक्चर पिक्चर होते हैं, सबसे सबका तालमेल पूरा रूप से बैठता ही नहीं है, लेकिन गम खा करके क्षमता लेकर के पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं, बुद्धिमान लोग अपनी फैमिली के संगठन को चलाते हैं, समझदार लोग आश्रम के संगठन को चलाते हैं, और जिनके पास में ज्यादा गुस्सा और क्रोध है, नासमझी है, वे संगठन को तोड़कर नष्ट करके स्वयं कबाड़ी नाथ बन करके घूमते रहते हैं। याद रखना, गम खाने वाले लोग ही एक दिन ऊंचे शिखर को छूते हैं, और जो सहनशीलता नहीं रखते हैं वे बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए गम भी अपने घर में खा लेना। गम दो प्रकार की होती है,
एक तो गम खाना जिसको कहते हैं सह लेना, दूसरा गम जिसका नाम चिंता होता है, चिंता को भी गम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं आपके मन में कोई गम है, गम मतलब चिंता है। गम खा लोगे तो अंदर की चिंता रूपी गम मिट जाएगी, और गम नहीं खा पाओगे और चिंता रूपी गम तुम्हें चिता पे पहुंचा देगी, इसलिए गम खाओ ताकि जिंदगी में जी सको। हर व्यक्ति को गम खाना पड़ता है। मेरे यहां प्रणाम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, यहां व्यास गादी पर एक हम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाते हैं। वो इसलिए बिछाते हैं कि लाल कपड़ा और पीला कपड़ा पूजा का प्रतीक भी है, उपासना का प्रतीक है उसका कलर। दूसरा, लोग फूल माला आदि अगर उस पर अर्पित करते हैं तो उसका रंग उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त और महिलाएं ऐसी आती हैं जो फूल उठाकर हमारे सफेद कपड़ा पर फेंक देती है, इतना इंतजाम करने के बाद भी ऊपर डाल देते हैं। अब उसमें फिर हम गम खाते हैं और क्या करेंगे, और गम खा लेते हैं, हमारे साधु गम खा लेते हैं, फिर उठ के उसको झाड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं करना क्या है। कितने लोग तो दूर से फूल मारते हैं, चश्मा में फूल टकराता है। पहले मैं सोचता था चश्मा क्यों लगा फालतू, तो इसकी क्या जरूरत। कई बार फूल टकराया तो मुझे पता चला आँख को बचाने के लिए चश्मा लगा है, क्योंकि लोग फूल मारेंगे फेंक करके वर्षा करेंगे तो आँख फूट सकती थी, इसलिए कुदरत ने कहा चश्मा लगा लो छोटी उम्र में, अंधे होने से अच्छा है चश्मा लगा के बैठो। बड़े बड़े संतों को भी गम खाना पड़ता है, और परिवार में जो गम खा लेता है उसके परिवार में बड़ी प्रसन्नता रहती है, सभी के पास में मन है बुद्धि है, आपके पास में बहुत बड़ी संपदा है, इसका प्रयोग करने की जरूरत है। कितना कौन प्रयोग करता है, बड़े बड़े चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य अधिक से अधिक अपनी बुद्धि का 4-5% भाग ही प्रयोग कर पाता है। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वे ज्यादा से ज्यादा 14% प्रयोग कर लेते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है 8-10% कर लेता है, लेकिन सामान्य लोग 4-5-6% में ही काम बंद हो जाता है। तो बाकी बुद्धि कहाँ खत्म होती है, ये बाकी बुद्धि तुम्हारी दुख में समाप्त होती है, रोने धोने में समाप्त होती है, चिंता टेंशन में समाप्त हो जाती है, कलह क्लेश में नष्ट हो जाती है, आपसी राग द्वेष में नष्ट होती है, और परिवार के बीच की उलझनों में टेंशन में ये सब बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और कर वही पाते हैं जिनको कुछ अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, तो वही इस कलह क्लेश से छलांग मार करके आत्मचिंतन करते हैं। आदमी तो यहाँ तक परेशान हो जाता तादाद से ज़्यादा कि वो सो भी नहीं पाता है, सोते समय भी उसको दुख है, सोने के लिए लेट चुका है तो भी चिंता करता है, सोचते सोचते आधी रात निकल जाती है, और रोज का यही लफड़ा उसका फंसता है, और सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, सबके बारे में बार बार सोचता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आपको आत्मज्ञान होगा ये सब चिंता मिट जाएगी, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है, तुम आत्मा हो, शरीर नश्वर है, संबंध क्षणभंगुर हैं, ये संसार का खेल परिवर्तनशील है, जिसको आज तुमने अपना माना है वो कल पराया हो जाएगा, जो आज पराया है कल वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम आज जिनके कहते हो मैं इनका हूँ तुम दूसरे के हो जाओगे, तुम जिस गांव को कहते हो ये मेरा गांव कोड़ापुरी है तुम्हारा जन्म अगला नानापुरी में हो जाएगा, और तुम कहते हो ये छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा है तुम्हारा जन्म उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मरते समय जहां की यादें बहुत ज्यादा तुमको अंदर से आकर्षित करेंगी,
ये तुम्हारी आत्मा वहाँ जा कर के जन्म ले लेगी। ये थोड़ी जिंदगी में इतना उलझ कर जीने से क्या फ़ायदा है, थोड़े ही दिनों के बाद ट्रांसफ़र होने वाला है, यहाँ परमानेंट तुम्हारी सीट नहीं है। कोई स्त्री ये मत समझे कि अब बहुत लंबी परमानेंट में इनकी पत्नी बन गई हूँ, 10-20 साल में छुटकारा मिल जाएगा। जैसा भी पति मिला है उसको निभा लीजिए, अगली बार तुम पति बनोगी और तुम्हारा पति जो तुमको परेशान कर रहा है वो पत्नी बनेगा, और जितना उसने परेशान किया है उसके 10 गुना रगड़ी मार देना उसको, और उसको रगड़ी लगी जाएगी। क्योंकि जो किसी को सताता है वो कैसे न कैसे सताया जाता है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अपनी पत्नी को भी सताना नहीं चाहिए, माँ को दुखाना नहीं चाहिए, सासू को पीड़ा देना नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि सासू को हम भोजन नहीं देंगे। एक बहू अपनी सासू को मारती थी, जब उसका पति नौकरी पर चला जाता था तो बूढ़ी बुजुर्ग सासू, कमजोर सासू, वो उसको थप्पड़ से मारती थी और पलंग से घसीट कर नीचे गिरा देती थी, और फिर उसके 2-4 झाड़ू भी मारती थी, और फिर घसीट करके लात मार करके फिर पलंग पर डाल देती थी। सासू इतना कमजोर थी, उठ नहीं पाती थी। सासू बहुत दुखी होती थी। वो आदमी सोचता था मेरी माँ को इतना कौन मारता है, और माँ रोज बताती थी मुझको कोई मारता है, उसको दिखता भी ज़्यादा नहीं था कौन मारता है। तो पति होशियार था, उसने सीसी कैमरा लगाया। कैमरे में एक ही दिन में फोटो आ गया कि उसी की पत्नी उसको कूटती है, मारती है। तब उसने दिखाया कि आप मेरी माँ को क्यों मारती हो। बोले मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, पर ये मेरे माथे पड़ गई तो इसको इसलिए मारती हूँ कि जल्दी मर जाए। अब सोचिए, जो तुम्हारी सासू आज कमज़ोर है, तुम बलवान हो, जवान हो, एक दिन तुम कमज़ोर बनोगी, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी बहुएँ आएंगी इसी तरह से तुम्हारी पिटाई करेंगी, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? और जैसा बीज बोया है वैसा ही तो वृक्ष होगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मैंने सुना है एक नवयुवक का विवाह हुआ, नई नई उसकी पत्नी आई, तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सब तो ठीक है लेकिन जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं ये कमरे में जहाँ सोते वहाँ गंदगी करते हैं, इसलिए घर के बाहर जो झोपड़ी है वहाँ इनका बिस्तर लगा था, और इनके जूठे बर्तन धोने में हमको घृणा होती है, मन नहीं होता धोऊं, तो इनके लिए कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याला ला दो, उसी में खा लें, मांजना धोना नहीं पड़ेगा, किनारे रख देंगे। पति बड़ा आज्ञाकारी था, पति लोग, बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के बातों पर विचार भी नहीं करते हैं, पूरा आज्ञा का पालन करते हैं, जहां वो कहती बैठ तो बैठ जाते हैं, जब कहती उठ तो उठ जाते हैं, जब कहती लेट तो लेट जाते हैं, जब कहती खा लो तो खा लेते हैं, बिल्कुल बुद्धू नाथ बने रहते हैं, विवेक विचार करते नहीं हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की उचित बात को भी नहीं मानते हैं, हर बात में हट कर लेते हैं। विवेक पूर्वक उचित बात को मानना चाहिए, अनुचित बात को नहीं मानना चाहिए। तो पति ने कुम्हार के यहाँ से ला करके मिट्टी के प्याले रख दिए, झोपड़ी में बिस्तर लगा दिया बूढ़े माँ बाप का। बूढ़े माँ बाप आपस में बात करते थे, 3 मंजिल मकान तो हमने तुमने बनाया, और जब से बहू आई तो निकल कर बाहर कर दिए गए, अब झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर थाली कटोरी चम्मच सब खरीद कर रखा हूँ, मिट्टी के प्यालों में भोजन हमें मिल रहा है। कब दिन बदल जाए आपके, कब किस्मत बदल जाए, कब क्या चक्र ऐसा चल जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। बचपन में तुमने बहुत गरीबी देखा है लेकिन जवानी में आपको अमीरी का भी सुख मिलता है। जवानी में तुमने अमीरी में बहुत आनंद लिया है, बुढ़ापे में फिर से गरीबी भी आ सकती है।
दिन बदलने में, समय बदलने में, वक्त बदलने में, भाग्य बदलने में, किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। हर रोज मनुष्य का किस्मत अलग अलग रूप लेकर के आता है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और कभी किस्मत साथ न दे, हिम्मत टूटने मत देना। फिर इन बातों को याद करना कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किस्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जो आज बहुत साधारण व्यक्ति तुमको दिख रहा है, कभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। किसी के भाग्य को किसी ने देखा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ही सब ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं पास थे और पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। और उनके पास में MBA किए हुए लोग नौकरी करते हैं। मालिक 10वीं पास था, 10वीं पढ़ा है, और उनके पास नौकरी करने वाले कोई MBA है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BTech, हाईटेक, MTech करके गया है, और वो उनके निर्देशानुसार काम करता है। तो ये भाग्य बहुत विचित्र होता है। और भाग्य के अंतर्गत एक चीज सबसे बड़ा काम करती है, वो है तुम्हारा स्वभाव। अगर स्वभाव आपका बिगड़ गया कुसंगत में पड़ करके, तो आपका भाग्य बिगड़ भी सकता है। यदि स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया है तो आपका भाग्य डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी हो और कितने बड़े बड़े उसमें टायर लगे हों, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया है तो आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी, फिर पंचर ठीक कराना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसे चरित्रहीनता तुमको समझो पंचर करती है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी को। ये गलत स्वभाव आपको पंचर कर देता है, भाग्य की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यवहार है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, फिर आपका भाग्य बिगड़ेगा। दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। और कितने लोग बड़े मतलबी यार होते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पैर भी छू लेंगे, और मतलब निकल जाने के बाद वे आपको पहचानेंगे भी नहीं। तुम उनके पास जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं और तुमसे बोलेंगे भी नहीं, तो समझ लो उनका भाग्य बिगड़ने वाला है। और ये भी याद रखना, जिसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलने का ढंग बिगड़ गया, जिसको गुस्सा बहुत आने लगा, झुंझलाहट होने लगी, उसका भी भाग्य बिगड़ेगा। जिन अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से तुम आगे बढ़े हो, वे गुण अगर हमेशा बनाए रखोगे तो तुम्हारे भाग्य में 4 चांद लगते चले जाएंगे। लेकिन इस मायावी संसार में वे गुण धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, तो आपका भाग्य का सूरज भी डूबने लग जाता है। इसलिए उन गुणों को बनाए रखो। अभी एक सज्जन से मेरा मिलन हुआ लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उनका नाम है श्री अमरजीत मिश्रा जी। लखनऊ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। बस्ती जिले में उनका गांव था। अपने गांव गए, पिताजी ने कहा गांव में यही रहो, खेती बाड़ी है और छोटा मोटा धंधा भी यहीं कर लो। थोड़े दिन रहे, बोले कुछ वहां अच्छा नहीं लगा गुरुदेव। तो पिताजी से मैंने कहा कि लखनऊ में पढ़ा हूँ तो लखनऊ में ही रहूँ तो ठीक है। पिताजी बड़े नाराज हुए, बोले अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अब केवल मेरा नाम ले जाओ, जहाँ अपना नाम लिखना, अब बाप का नाम लिखने की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लिख देना, बाकी 1 रुपया कुछ दूंगा नहीं। कुछ पिता लोग भी बड़े टाइट होते हैं, असंतुष्ट हो गए पिताजी।
तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आपका नाम आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। बोले लखनऊ आया, 7 बिस्कुट के पैकेट उसमें और 1 किलो नमकीन में 1 महीना गुजारा। 7 ये पारडे बिस्कुट के पैकेट और 1 किलो नमकीन उसको खा करके 1 महीना गुजारा। और मेरे कोई रिश्तेदार भी पूछते थे कि सब ठीक ठाक है, तो बोले भूखा होता था तो भी कह देता बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर जाता था कहीं काम से, तो लौटते समय वो बंद हो जाती थी, पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, तो कोई मिल जाता था परिचित तो पूछता था क्या बात पेट्रोल नहीं है। बोले पेट्रोल तो अभी फुल कराया था, पता नहीं क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बोले इज्जत बचाने के लिए गुरुदेव ऐसा भी बोल देता था, और जब अंधेरा हो जाता था उसको ढकेल के घर लाते थे। बोले ऐसी भी जिंदगी जिया हूँ, और ऐसा बताते बताते अपनी कहानी फिर उनको आंसू भी भर गए। और बोले आज गुरुदेव मैं अपने पिताजी से बोल कर आया था बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा, तभी लौट कर बस्ती जिले में आऊँगा। तो बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। लखनऊ में मेरे पास में 1000 एकड़ जमीन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 लोग मेरे पास काम करते हैं, और मुझे गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि आदमी जब उन्नति करता है, जवानी में पहुंचता है और धन बढ़ता है, तब उसके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान भी बढ़ता है, और अभिमान जब बढ़ता है गुरुदेव तो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ता है, और क्रोध बढ़ता है तो उसका काम बिगड़ना शुरू होता है, उसका बिजनेस बिगड़ना शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी 42 साल उम्र हो गई है, अब हमें गुरु की ज़रूरत है, और शायद भगवान ने आपको ही गुरु के रूप में भेज दिया है, मैं गुरु बना लूँ आपको। बोले आज हमारे घर पधरौनी है आपकी, मेरी वाइफ सेम मार्केट जाकर सब नए बर्तन लाई है कि जिसमें कोई न खाया हो उसमें संत पहली बार खाएंगे। आपके लिए सब चांदी का बर्तन आया है, संतों के लिए स्टील का आया है। और गुरुदेव अब ये आपके खाने के बाद बर्तन घर में नहीं रखूंगा, इसको किसी को दे दूंगा, नहीं तो भूल से इसमें कोई खा लेगा, अब खा लेगा तो फिर आपको इसमें खिला देंगे तो पाप लगेगा, आपके लिए नया ही होना चाहिए। तो हमको हंसी आई कि कितनी बड़ी उनकी श्रद्धा है। और बोले आपका आश्रम भी बनना है यहाँ लखनऊ में, तो यदि आप 50 बीघे जमीन खरीदोगे तो 25 बीघे की कीमत मैं दूंगा, और जमीन भी अपनी जमीन में से दूंगा, और बैठ के आपसे और समझूंगा, यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पूरा ही दे दूंगा, झंझट खत्म कर दूंगा। मैं तो सोचता था लखनऊ में 0.5 बीघा मिल जाए तो भी ठीक है, तो बोले 50 बीघे से कम होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है क्या, किस्मत की बात है। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव भाग्य जो मेरा चमका है, मैंने आज तक किसी भी साधु संत को महात्मा को दुख नहीं दिया हूँ, कुछ न कुछ सेवा किया हूँ, धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लड्डू खीर पूड़ी सबको हर साल खूब खिलाता हूँ, और ये सब करने के बाद मेरा मन ऐसा होता है कि मुझे गुरु चाहिए, नहीं तो मुझे समझाएगा कौन, मेरे अभिमान को मिटाएगा कौन, मेरा क्रोध ठंडा कौन करेगा, और अभिमान बढ़ेगा गुरुदेव तो बिजनेस सब बिगड़ेगा। और वास्तव में चाहे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब आपके अंदर अभिमान पनपने लग जाता है, जब क्रोध का ज्वालामुखी जलने लग जाता है, जब आपके अंदर आलस्य भी आने लग जाता है, जब आप अफसा समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, वही अभिमान आपको छोटा आदमी बना देता है। इसलिए उसको गिराने के लिए भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी।
विश्वामित्र के चरणों में मन की डोरी बांधा था, कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया था और शिवरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया था। आपके अभिमान की चट्टान को तोड़ने के लिए गुरु कुल्हाड़ा का काम करता है और अभिमान टूटने के बाद मनुष्य के सारे रास्ते साफ होते हैं और वो जिधर कदम उठाता है उधर सफलता का बड़ा सा द्वार खुलता चला जाता है। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को भी जब अभिमान आ जाता है, क्रोध भी आता है, किसी की सुनते नहीं है, आंख लाल कर देते हैं और गरजते हैं, अपने चैम्बर में चिल्लाते हैं, शेर की तरह चीख मारते हैं, जनता के लोग डर जाते हैं कि तेरे को शेर से सियार बनाऊंगा तभी तू ठीक होगा, तब उनको सियार बनाते हैं, तब वे फिर ठंडे हो जाते हैं। अब ये सब उतार चढ़ाव क्यों? अहंकार कभी भी किसी भी दशा में किसी को पकड़ सकता है। धन होने का अहंकार आ सकता है, ऊंचा पद पाने का अहंकार आ सकता है, जवानी का अभिमान आ सकता है, बहुत बुद्धि है मेरे पास इसका अभिमान आ सकता है, मेरी बहुत बड़ी सेना है इसका अभिमान आ सकता है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां तमाम है इसका अहंकार आ सकता है, और मैं सब कुछ जानता हूं इसका अभिमान बहुत ज्यादा आ जाता है, और यही अभिमान हमें आपको नीचे गिराता है। याद रखना, जानते हुए भी अनजान बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बल तज निर्बल होए रहे, बल तज निर्बल होए रहे, कहें कबीर तही दास का पला न पकड़े कोई, पला न पकड़े कोई। बलवान होते भी निर्बल की तरह बात कीजिए, धनवान होते हुए एक हमारे पास में एक धनपति व्यक्ति आए अभी यहाँ के सत्संग से पहले, तो मैंने कहा चलो नीचे जलपान कर लो जहाँ नाश्ता चल रहा, तो बोले हमका हुआ को जानत है, बोले हमका हुआ को जानत है, ऐसे बोले ग्रामीण भाषा में। तो हमने कहा आपके पास क्या क्या है? बोले तीन ईंट भट्ठा है, ट्रैक्टर एजेंसी, टायर एजेंसी और सभी रोडों का ठेका, ब्लॉक प्रमुख हम। तो हमने कहा बहुत पद है फिर क्यों नहीं जानते लोग? बोले 14 डंफर, बहुत से ट्रक और ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर है। तो हमने कहा और ट्रैक्टर एजेंसी भी है? तो हमने कहा तो सब। बोले कोई नहीं जानता है, कोई नाश्ता देगा नहीं वहाँ। अब इतने संपन्न आदमी हैं, धनवान हैं, सब है और जानता कोई नहीं है, क्यों जानेगा कोई? क्यों जानेगा कोई? क्या जरूरत जानने की दूसरे को? तो मैंने एक संत को भेजा, हमने कहा जाओ इनको वहाँ नाश्ता खिला दो, नहीं इनको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो धन है उनके अंदर अभिमान भी है, अहंकार। सबसे नमस्कार नहीं करते हैं, कोई नमस्कार करे तो नमस्कार लेते भी नहीं है, अब बात ऊट पटांग करते हैं, हनक वाली बात करते हैं, तो जो लोग जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, वो बोलते हैं हमको इनकी जरूरत ही नहीं। तो बहुत हालत खराब है। उनसे साधारण लोग आते हैं, उनको सब जानते हैं, सब मानते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सबके दिलों में स्थान बना लो, वाणी ऐसी हो सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ, चरित्र ऐसा हो सबकी शिरोमणि बन जाओ, और कर्म ऐसे हो जो सबके प्रिय बन जाओ, और व्यवहार ऐसा हो कि लोगों के गले के हार बन जाओ, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। श्रोता बहुत समझदार है, आधे श्रोता ताली बजाते हैं, आधे सोचते हैं आखिरी में बजा दूंगा छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा दमदार भी ताली मार दिया करो, हाँ बजाते रहो एक मिनट तक, जोर से बजाओ, मुस्कराते भी रहो। अरे मत बजाओ, लोग कहेंगे पागल हैं क्या, हाँ बंद कर दो। घर में भी ताली बजाया करो, पत पत्नी जब बात किया करो ना, खुश होकर ताली मार कर बात कर लिया करो, और पत्नी कोई बात कहे तो तुम ये कह दिया करो
तुम बहुत बुद्धिमान हो, तूने मेरे मन की बात छीन लिया, जो मैं कहने वाला था वही बात कहा, जय हो। बोले उल्टा भी कहे तो भी सेट कर दो। और तुम्हारा पति आराम करने का समय नहीं, फिर भी अगर लेट गया है तो उससे जाकर बोल दो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लो। मैं बोलने वाली ही थी कि थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, क्योंकि बोलोगी तो गुर रहेगा, इसलिए लेटने दो उसको, क्या लेट जाने दो, थोड़ा सोएगा फिर उठेगा ही। और कितने पति लोग तो बिल्कुल ऐसा धुरंधर कुंभकर्ण है, पूरा घर तबाह हो गया है, जागता ही नहीं है, बहुत सोता है, काम करता ही नहीं है, आलसी बहुत है। लखीमपुर जिले में एक भक्त की पत्नी कह रही थी, कोई कोई दिन इच्छा होती है अपने पति को डंडा लेकर दो चार बीट दूं इनको, जब देखो तब लेटे रहते हैं, पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो हमने कहा पीटो मत, इसको लेटे रहने दो। बोले इस कमरे से उठाओ तो दूसरे कमरे में लेट जाते, और दूसरे कमरे से उठाओ तो छत पर जाके लेट जाते, ना जाने कितना आलसी। तो मैंने कहा इस आलसी पति थे परिश्रमी पुत्र पैदा होंगे। बोले गधा से घोड़ा कैसे पैदा हुई गुरु? ऐसी बात। तो हमने कहा देख लेना। तो उसकी दो पुत्र हुए, दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों ने काम संभाल लिया। हमने कहा देखो हो गया। तो बोले ये हुआ कैसे आलसी से? हमने कहा पति आलसी है, तुम तो मेहनती हो, तो तुम्हारा अंश इनमें ज्यादा आया है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आलसी आदमी अपने जीवन के समय को खोता है, आलसी अपने सम्मान को भी खोता है, और आलसी को कोई पसंद भी नहीं करता है। और जो किसी काम का नहीं रह जाता है उसको लोग कबाड़खाने में बेच देते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां काम की न रह जाए तो कबाड़ी खात बेच देते हैं, आपके लोहे के दरवाजे काम के न रहें तो कबाड़खाने में बेच देते हैं, झाड़ू अगर काम का न रह जाए तो उसको तोड़ करके आग में जला देते हैं या घूरे फेंक देते हैं, चप्पल काम के न रह जाए तो तुम रास्ते में सड़क किनारे फेंक देते हो। तो जो आदमी किसी काम का नहीं है, याद रखना वो सबके दिलों से फेंक दिया जाएगा, इसलिए जब तक जिंदगी है काम के बने रहो, ताकि तुम्हारा सम्मान भी बना रहे, आदर बना रहे। कुछ काम करो, कुछ काम करो। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, जप तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति, जागर तो नास्ति भयम्। श्री सियाराम जी। तो कबीर साहब की मैं आपको साखी सुना रहा था, जीवन किसका सार्थक है? तन थिर, जिसका शरीर स्थिर है, ये बहुत बड़ी बात है। मन थिर, जिसका मन चंचल नहीं है, अर्थात जो अपने मन से शुभ चिंतन करता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जिसके मन की भावना अच्छी है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है, जिसके मन में वासना नहीं है उपासना है, और जिसका मन राग द्वेष नहीं करता है, तो समझ लो उसका मन स्थिर है। और मन को शांति भी उसी को मिलती है जिसका मन निर्मल होता है। लोग कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं है, घर में बहुत संपत्ति है, द्वार पर कार है, और मन बेकार है, मन में अहंकार है, कार में भी सुख नहीं मिलेगा। कार तुमको कबीर धाम पहुंचा सकती है, लेकिन कार सुख नहीं दे सकती। कार में जो सुख ढूंढते हैं वो धोखा खाएंगे, बड़े मकान में जो सुख ढूंढते हैं वो भी धोखा खाएंगे,
जो अच्छी साड़ी गाड़ी लाड़ी बाड़ी में सुख ढूंढते वो भी धोखा खाएंगे, वहां सुख नहीं है। जो अच्छे कपड़ों में सुख ढूंढ रहे हैं वहां भी सुख नहीं है, धोखा मिलेगा आपको। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड भोजन में भी सुख नहीं है, उसमें भी धोखा होगा। केवल जीभ का स्वाद है, पेट में जाने के बाद स्वास्थ्य खराब होगा। ये जितना ज्यादा जंक फ्रूट है और जितना ज्यादा ये सब गरम गरम समोसे और जलेबी, ये हजम होने में बहुत हार्ड है, तबीयत खराब होगी, इसमें भी सुख नहीं है। मान सम्मान में भी सुख नहीं है, तो है सुख कहां? आपके मन की निर्मलता से सुख का जन्म होता है, और मन की पवित्रता से सुख का जन्म होता है, और मन की भावना अगर शुद्ध है, आप चाहे झोपड़ी में हो और चाहे महल में हो, चाहे कार में चले चाहे पैदल चले, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहेगी, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन चेहरे पर बहुत टेंशन तनाव है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति आगे खुली गाड़ी में बैठा हुआ ढोल बजा रहा था, 2 किलोमीटर ढोल बजाकर मेरा स्वागत किया, और वो 2 किलोमीटर तक हंसता ही रहा, दांत निकाले ही और ढोल पीट रहा था। गरीब आदमी ढोल पीटेगा? जब वहां गाड़ी रुकी तो मैं उसको बुलाया, मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे? बोले हंसते इसलिए थे कि टीवी में आपको देखते थे, आज हमको आपके स्वागत में ढोल बजाने को मिला, तो हम पीछे मुंह करके बैठे थे, आपको देखते थे, हंसते थे, ढोल बजाते थे, बहुत खुश थे। निर्मल है मन गुरुदेव। और वहीं पर मैंने देखा 10-20 लोग बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने खड़े हैं, उनके मुखमंडल पर खुशी नहीं, हंसी नहीं, टेंशन है, तनाव है, दुख है, चिंता है, पीड़ा है। तो उसमें से एक आदमी को बुलाया, हमने कहा तुम हंसते क्यों नहीं? बोले हंसते वही नहीं है जो फंसते हैं कहीं, हम फंसते वाले हैं, हंसते नहीं। कहां फंसे हो? बहुत सारी बुराइयों में आदमी फंस जाता है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ सिगरेट बीड़ी गांजा चरस तंबाकू दारू, इसमें फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती है, व्यभिचार में फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती, बहुत टेंशन रहती है, भ्रष्टाचार करने वालों की खुशियां खो जाती है, घोटाला करने वालों की खुशियां चौपट हो जाती है। एक मैंने बहुत बड़े नेता से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही बात क्या? बोले चिंतित हूं इसलिए चिंता दिखाई दे रही बात है क्या? तो हमने कहा मामला क्या है? बोले जेल जाने वाला हूं और मामला क्या है, फंस जाऊंगा, लफड़ा लंबा चल रहा है। तो हमने कहा किसी को पता नहीं? बोले मुझे पता है इसलिए टेंशन में हूं। जितना तुम लफड़ा पालोगे गलत काम करोगे, और याद रखना अपनी खुशियों को खो करके तुम धन प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्नता को खो करके पद प्राप्त कर सकते हो, आनंद को खो करके गाड़ी प्राप्त कर सकते हो, मकान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गाड़ी मकान धन संपत्ति जमीन सब बेच करके वह अपनी खुशियों को तुम वापस नहीं लौटा सकते हो, पैसे से खरीद नहीं सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ, निर्धन बन जाओ, कंगाल बन जाओ, सुदामा भक्त बनकर घूमो सिवरी जैसे बेर लिए हुए, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ईमानदारी से धनवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, मेहनत करके धनवान बनो। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, उनके पास सोने की द्वारिका थी, रावण भी धनवान था, उसके पास सोने की लंका थी। आज आदमी के पास में 2 तोला सोना हो तो भी खुश हो जाता है, रावण के पास में पूरा सोने का भवन था, सोने की लंका थी, सोचो रावण खुश था? बिल्कुल खुश नहीं था। रावण की पत्नी पंदोदरी खुश थी? बिल्कुल नहीं खुश थी, बहुत चिंतित रहती थी कि मेरे पति का कब काम तमाम हो जाए, कब मैं विधवा न हो जाऊं, क्योंकि सोने की लंका तो जरूर है पर मुझे शंका भी जरूर है, क्योंकि यहाँ कुछ डंका बजने वाला जरूर है, ऐसी चिंता रहती थी। महिलाओं को विचार करना चाहिए, आपका पति आपको सोने चांदी के जेवर कम पहना सके तो भी आप खुश रहना, आपका पति अगर
सलामत है, आपका पति चरित्रवान है, आपका पति गुणवान है, आपका पति प्रेमी है, सरल है, इससे बड़ा तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता है। सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी रावण की पत्नी को सुख नहीं मिला था। ये सोना चांदी में सुख कहाँ है? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सोना चांदी बिल्कुल न पहनो। आपके पास में क्षमता है, थोड़ा सोना भी पहन लीजिए। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूँगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ सोना चांदी न पहनो। भीड़ भाड़ में कोई आपकी चैन चुरा ले जाए, कोई गले का हार खींच ले, तो तुमको दुख होगा। वहाँ पर साधारण ही बन करके जाओ, और सत्संग में तो बिल्कुल साधारण बनकर जाओ। ये कुछ पहन कर मत जाओ वहाँ। तो अगर पहन कर गई भी हो तो गुरुदेव को दान कर दो, गले का हार आश्रम बना देंगे। हाँ गुजरात में एक साधु है, उसके भक्तों ने, श्रोताओं ने, सत्संगियों ने दो बार उसको सोना से तौल दिया। दो बार, एक बार तौला तो उसी सोना को बेच करके अक्षरधाम दिल्ली में बनाया।